हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में हम हमारे कार्य क्षेत्र में प्रगति करें, हम प्रथम आए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यह सुनते हैं कि प्रभु येसु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। और प्रभु येसु अपने शिष्यों से यह उस वक्त कहते हैं जब उनके बीच में यह विवाद या तो सवाल खड़ा हो गया था कि सबसे बड़ा कौन है। और प्रभु येसु शिष्यों के विवादों का हल करने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके बीच में एक नन्हे बालक को ले आते हैं, और उनकी ओर इंकित करते हुए प्रभु उनसे कहते हैं कि इस बालक को देखो, जो स्वभाव से विनम्र होता है, ईमानदार होता है, सरल होता है और निर्दोष होता है। यदि तुम्हारे बीच में सबसे बड़ा होना चाहते हो तो तुम्हें इस बालक की तरह स्वभाव से सरल, ईमानदार, विनीत और अपने जीवन में निर्दोष बनना है, तभी तुम सबसे बड़े या प्रथम हो पाओगे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु येसु आज ना केवल शिष्यों का सवालों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि हमें भी हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई प्रथम या तो अव्वल होना चाहता है, हर क्षेत्र में वह प्रथम आना चाहता है, वह विफलता को स्वीकार नहीं करता है। यदि हमें प्रथम आना है तो हमें भी स्वभाव से सरल, विनम्र, विनीत, ईमानदार और अपने आचरण से निर्दोष बनना है, एक बालक की तरह। यदि हम हमारे जीवन में एक बालक की तरह अपने स्वभाव को सरल, विनम्र, विनीत, निर्दोष बनाएंगे तो हम प्रभु की दृष्टि में एक ईमानदार, सच्चे व्यक्ति बनेंगे, प्रभु के बेटे बेटियां बनेंगे, प्रभु के बालक बालिका बनेंगे। और जब हम प्रभु के बालक बालिका बनेंगे, स्वभाव से विनम्र होते हुए, निर्दोष होते हुए, ईमानदार होते हुए, तो प्रभु की जो कृपा है, प्रभु की जो आशीष है, उसे हम महसूस करेंगे। और जब हम प्रभु की आशीष और कृपा को महसूस करेंगे तो हमारे कार्य क्षेत्र में हम सर्वप्रथम होंगे, अव्वल होंगे, हमारे जीवन में हम प्रथम आएंगे। इसलिए प्रभु येसु आज हमसे कह रहे हैं कि यदि तुम तुम्हारे जीवन में बड़े होना चाहते हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में प्रथम आना चाहते हो, तुम स्वभाव से विनीत बनो, स्वभाव से विनम्र, ईमानदार और अपने जीवन में निर्दोष बनो। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब आज हम इस पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके हमारे जीवन पर गौर करें। हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में हम हमारे कार्य क्षेत्र में प्रगति करें, हम प्रथम आए, हमें उच्च श्रेणी के पद मिले। यदि हम यह चाहते हैं तो प्रभु की जो यह जवाब है, इस एक बच्चे की तरह हमें विनम्र बनना है, स्वभाव से सरल बनना है, ईमानदार बनना है, निर्दोष बनना है, इन सब गुणों को हमारे जीवन में हम लागू करें। यदि हम हमारे जीवन में इन गुणों को लागू करेंगे तो हम प्रभु की अनुग्रह और कृपा को महसूस करेंगे, और हम हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में हम प्रथम आएंगे, अव्वल आएंगे। आमीन।